सुप्रभात 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 सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ स्वयं विजय सर हैं, जो हमें आज डेमो देंगे एफिशिएंसी क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की योग साधना। सर्वप्रथम टांगे सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने सीधे, हाथों को रखें पीछे, पंजों को तानेंगे बाहर, अधिक से अधिक तानेंगे। अब पंजों को तानेंगे अंदर से अंदर, बाहर, ऐसे ही पंजों को अंदर बाहर तानते जाएं। अब दोनों पंजों को मिलाकर गोलाकार घुमाएंगे दाएं से बाएं। प्रयास करेंगे कि हमारे घुटने न उठें। अब यही क्रिया करेंगे हम विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर। अब अपने दोनों पंजों को एक फीट खोलेंगे और किताब की भांति अपने पंजे को खोलेंगे और बंद करेंगे। हमारा अंगूठा और हमारी आखिरी वाली उंगली आसन से लग जाए। महसूस करेंगे प्रभाव को, पूरी टांग में आते हुए प्रभाव को। आएंगे मध्य में, एड़ी पंजे मिलाएं। अब अपने दाएं पंजे को मोड़ेंगे घुटने से, अपनी थाई से ग्रिप करेंगे दोनों हाथों से और साइकिल के पेडल की तरह अपने पंजे को घुमाएंगे। प्रयास करेंगे कि हमारे दोनों पंजे तने रहें। प्रयास करेंगे कि हम एक बार हमारी टांग बिल्कुल सीधी हो जाए, घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए। बहुत सुंदर। अब यही क्रिया करेंगे विपरीत दिशा में। अब रखेंगे दाएं टांग वापस और यही क्रिया अब हम करेंगे बाएं टांग से। बाएं टांग की थाई से ग्रिप करेंगे और साइकिल के पेडल की भांति ऊपर नीचे करना शुरू करें। दोनों पंजे तने रहें, दाएं टांग का घुटना आसन पर ही लगा रहे। प्रयास करेंगे कि पीछे से हमारी कमर गर्दन भी सीधी रहे। बहुत सुंदर। अभी ही क्रिया करेंगे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में।
बहुत सुंदर, अब आएंगे वापस, पैरों को हिला डुला लें, अब अपने दाएं पैर को मोड़कर अपने बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे, अपने हाथों को क्लैंप करेंगे और अपने बाएं घुटने को आसन के ऊपर प्रेस करेंगे। आगे वाला पांव का पंजा तना रहे, बहुत सुंदर। अब श्वास भरेंगे और भरे हुए श्वास में अपने घुटने को अपने छाती पे लाएंगे। लाएंगे अपने घुटने को नीचे और फिर से अपने घुटने को आसन पर लगाएंगे। बहुत सुंदर। अब दोनों हाथों से अपने टांग को घुटने से लेके पंजे तक पकड़ेंगे। दाया हाथ हमारा रहेगा घुटने पे और बाया हाथ से हम पकड़ेंगे अपनी पिंडलियां, उठाएंगे अपने घुटने को ऊपर और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दोलन करना शुरू करेंगे। बहुत सुंदर। ज़्यादा से ज़्यादा बाईं ओर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। जितना हमारा पंजा बाईं ओर जाएगा उतना ही हमारा पद्मासन बहुत अच्छा लगेगा। हमारा घुटने और हमारे पंजे का लेवल सेम रहे। अपने पाँव को ऐसे झूला झुलाएंगे जैसे हम एक बच्चे को झूला झुला रहे हों। बहुत सुंदर। आएंगे धीरे धीरे वापस। रक्त का संचार सामान्य करते हुए विश्राम। अब यही क्रिया हम करेंगे बाएं टांग से अपने बाएं घुटने को मोड़कर, बाएं पंजे को मोड़कर दाएं घुटने के ऊपर रखेंगे, हाथों को ग्रिप करेंगे और ग्रिप करने के बाद हम अपने घुटने को आसन के ऊपर प्रेस करेंगे। हमारा लेफ्ट पंजा तना रहे। अब हम ग्रिप करके श्वास भरते हुए अपने घुटने को लगाएंगे छाती में। फिर से नीचे की ओर आसन के ऊपर। फिर से लगाएंगे ऊपर श्वास भरते हुए। अब दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ेंगे और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाएंगे। अब की बार ज्यादा से ज्यादा दाईं ओर जाने की कोशिश करेंगे। टांग को और ऊपर करने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर।
आएंगे धीरे धीरे वापस, पैरों को हिला डुला लें, अब अपने दोनों पंजों को अपनी जंघाओं के निकट से निकट लाएंगे, हाथों से ग्रिप करेंगे और करेंगे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की भांति अपने घुटनों को ऊपर नीचे करते जाएं। प्रयास करेंगे कि हमारी कमर गर्दन सीधी रहे, करते जाएं करते जाएं। घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास करते जाएं। बहुत सुंदर, अब पैरों को लाएंगे सामने, एड़ी पंजे मिलाएं, अब अपने दाएं पंजे को मोड़कर अपनी बाएं जंघा के पास लगाएंगे और बाएं पंजे को मोड़कर अपनी दाएं जंघा के पास लगाएंगे। पद्मासन, कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में, करेंगे गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास बाहर, श्वास बाहर निकालते हुए अपनी पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचेंगे, इतना कि हमारी नाभि रीढ़ को लग जाए। अब जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास भरेंगे, कंठ तक श्वास भर लें, मूल बंद, श्वास बाहर निकालें। इसी प्रकार गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अब हम करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि से पहले गहरा लंबा श्वास, ओ
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन में ही बैठे रहेंगे, आंखें बंद रखें। अब हम करेंगे योग मुद्रा। अपने दोनों हाथों को ले जाएं पीछे, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे अंगूठा अंदर करते हुए और दाएं हथेली से अपनी बाई कलाई को पकड़ेंगे। श्वास भरेंगे, शरीर को लंबाई देंगे ऊपर से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। प्रयास करें कि पीछे से हमारी कोहनियां बिल्कुल ना मुड़े। और आगे से अपना माथा लगा दे पृथ्वी पर। बहुत सुंदर स्थिति विजय सर की। उनका माथा लग गया है आसन पर। श्वास सामान्य। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर बहुत सुंदर। अब यही क्रिया करेंगे हम राइट साइड में। इस बार हम दाईं ओर झुकेंगे, श्वास भरेंगे, शरीर को ऊपर से ऊपर लंबाई देंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर से दाईं ओर झुकेंगे। ठोड़ी या माथा या नासिका आसन पर लगा दें। बहुत सुंदर। हमारी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता हुआ। अब श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया हम करेंगे बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से। श्वास भरते हुए लंबाई देंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से झुकेंगे नीचे। कमर का निचला हिस्सा लचीला बनता हुआ। पद्मासन में बैठने से हमारी थाई की चर्बी कम होती हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्थिति सभी की। आएंगे धीरे धीरे वापस। धीरे से पद्मासन खोलेंगे। पहले
पैरों को हिला डुला लेंगे ताकि हमारी टांगों में रक्त का संचार सामान्य हो जाए। आज फ्राइडे हमारी वीकली एफिशिएंसी क्लास, जिसमें हम नॉनस्टॉप आसन करेंगे बिना रुके, पर आसन इस प्रकार कि आपको विश्राम भी मिलेगा। तो आइए करें कौन आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, अपने हाथों को ले रखेंगे अपनी कमर के पीछे। प्रयास करेंगे कि हमारी हथेलियां आपस में मिले तो नहीं, बट गैप कम हो जाए। उंगलियां अंगूठे मिले हुए, अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी मध्य से अपने नितंबों को उठाएंगे। सारा भार हमारी हथेलियों पर और हमारी एड़ियों पर। बहुत सुंदर स्थिति। कोन की भांति हमारी शरीर की स्थिति बन गई है। गर्दन ना लटकाएं, लगा देंगे अपने पंजों को आसन पर। बहुत सुंदर स्थिति। यहीं पर रुकने का प्रयास करेंगे। इस आसन को करने से हमारी नाभि अपने स्थान पर रहती है। अब आएंगे धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे। अपने शरीर को नीचे पटकेंगे नहीं, गोमुख आसन। अपनी बाएं पंजे पर बैठेंगे और अपना दाई टांग को आगे से मोड़ते हुए लेकर जाएंगे बाईं ओर। अब जो पांव हमारा ऊपर है उसी की बाजू हम सामने से तानते हुए लेकर जाएंगे पीछे। और अपने बाएं हाथ को लेकर जाएंगे नीचे से पीछे। दोनों हाथों को क्लैंप कर दें। बहुत सुंदर। अब यहीं पे हम गहरे और लंबे श्वास लेंगे। गहरे लंबे श्वास लेने से गोमुख आसन में हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, हमारी श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। बहुत सुंदर स्थिति। विजय सर के हाथ आपस में बिल्कुल क्लैंप कर गए हैं। अब आएंगे धीरे धीरे वापस, दाएं भुजा को आगे से तानते हुए लेकर आएंगे नीचे। यही क्रिया करेंगे हम विपरीत दिशा में। अब की बार हमारी बाएं टांग ऊपर से जाएगी और अपनी दाएं पंजे के ऊपर हम अपने नितंबों को रखेंगे। बाएं भुजा को आगे से तानते हुए लेकर जाएंगे पीछे और दाएं भुजा को पीछे से ही लेकर जाएंगे और दोनों हाथों को छूने का, क्लैंप करने का प्रयास करेंगे। कमर गर्दन सीधी,
जिनसे अपने हाथ ना मिलाए जाएं, वे किसी रुमाल की सहायता ले सकते हैं। शोल्डर्स में आते हुए स्ट्रेच को महसूस करेंगे। छाती के साथ साथ हमारे शोल्डर भी बहुत अच्छी तरीके से प्रभाव में। बहुत सुंदर। अब बाएं भुजा को आगे से तांते हुए लेकर आएं वापस। टांगों को सीधा कर दें। अब हम करेंगे आकरण धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब अपनी दाएं टांग को मोड़कर दाएं टांग का टखना अपने बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे। अपने दाएं हाथ से अब अपने बाएं पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से अपने दाएं पैर का अंगूठा अंदर से ले जाकर ग्रिप करेंगे। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाएं अंगूठे को, जो घुटना, जो हमारा पंजा मुड़ा हुआ है, उसके घुटने को हम धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और कान के पास लाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें कि हम अपने पंजे को कान के पास ला रहे हैं, हम अपने कान को पंजे के पास नहीं लेकर जा रहे, इसलिए कमर व गर्दन सीधी रखेंगे। बहुत सुंदर प्रयास, सभी की बहुत सुंदर स्थिति। विजय सर की बहुत सुंदर स्थिति। अब आएंगे धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया करेंगे हम बाईं ओर से। श्वास भरते हुए उठाएंगे अपने बाएं पंजे को ऊपर से ऊपर। प्रयास करेंगे कि हमारा अंगूठा हमारे कान को लग जाए। बहुत सुंदर। हमारे घुटनों के जोड़ प्रभाव में आते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। पांव सामने, पांव को हिला डुला लें। अब अपने आसन के ऊपर बिना सहारा लिए हुए खड़े हो जाएंगे। थोड़ा अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे डुलाएंगे, थोड़ी जॉगिंग करेंगे धीरे धीरे। और धीरे धीरे अपनी जॉगिंग की स्पीड को बढ़ाएंगे, इतना कि हमारी एड़ियां हमारे नितंबों को छू जाएं। बहुत सुंदर।
अब आएंगे धीरे धीरे वापस। अपने पाँव में कंधों के समान फासला, चेयर की भांति घुटनों को मोड़ेंगे। यहीं पर रुकने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे, चेयर के भांति बैठेंगे। धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे। अब अपने पाँव में अपने कंधों से थोड़ा ज़्यादा फासला बना लें और अब चेयर की भांति बैठेंगे। अपने हाथों को पलट कर अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, कोहनियों को कर देंगे बिल्कुल सीधा और अब अपनी दाईं ओर देखेंगे, ऊपर की ओर। ऊपर देखेंगे कि हमें पंखा दिख जाए। बहुत सुंदर। अब देखेंगे बाईं ओर, प्रयास करेंगे कि हमारी कोहनियां ना मुड़े बिल्कुल भी। आएंगे मध्य में और धीरे धीरे वापस। करेंगे ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं हाथ शरीर के साथ। अब अपने हाथों को क्लैंप करते हुए लेकर जाएंगे अपने सर के ऊपर और अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को कर देंगे ऊपर और साथ ही साथ एड़ियां भी ऊपर। पेट को अंदर से कोरते हुए यहीं पर रुकने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। इस आसन को आंखें खोलकर करेंगे ताकि किसी एक जगह पर हम बैलेंस बना सकें, एक जगह पर अपनी नज़र टिकाकर बैलेंस बना सकें। बहुत सुंदर। आएंगे धीरे धीरे वापस नीचे, हाथों को सर के ऊपर ही रखेंगे। फिर से श्वास भरते हुए अपने हाथों को और अपनी एड़ियों को ऊपर लेकर जाएंगे, पेट को अंदर सिर कोते हुए, संकोचन करते हुए। सारा भार हमारे पंजों पर। बहुत सुंदर। आएंगे धीरे धीरे वापस, दाई बाएं से अपनी भुजाओं को तानते हुए लेकर आएंगे नीचे। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। पाँव में हमारे कंधों से ज़्यादा फासला, हाथ शरीर के साथ। अब दाई हथेली को आसमान की रुख में करते हुए, तानते हुए लेकर जाएंगे ऊपर। श्वास भरेंगे, शरीर को ऊपर से ऊपर खींचेंगे और नीचे वाली भुजा को नीचे से नीचे खींचेंगे
और अब श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर के बगल से बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रयास करेंगे कि हम बगल से ही झुकें, आगे की ओर न झुकें। हमारे शरीर के बगल में आते हुए प्रभाव को महसूस करेंगे। बहुत सुंदर। आएंगे धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हम अपनी भुजा को लाएंगे नीचे। अब यही क्रिया करेंगे हम बाएं हाथ से, बाएं भुजा को तानते हुए लेकर जाएंगे ऊपर, श्वास भरेंगे, लंबाई देंगे शरीर को ऊपर से ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। हमारे पेड़ों की दाईं और बाईं साइड की जो चर्बी है वो बहुत जल्दी कम होती है इस आसन को करने से। शरीर में लचीलापन आता है। कमर का निचला भाग प्रभाव में आता हुआ। बहुत सुंदर स्थिति। अब श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे मध्य में, गहराई लंबाई देंगे ऊपर से ऊपर, और अब हथेली का रुख नीचे करते हुए लेकर आएंगे भुजा को नीचे। पैरों में फासला कम। अब अपने आसन के ऊपर बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन, पीछे से अपने नितंबों को अपने एड़ियों के तकिए पर रखेंगे और आगे से घुटने मिले हुए अपने हाथों को रखेंगे अपने घुटनों के ऊपर, अंगूठे उंगली मिली हुई। करेंगे गर्दन की कुछ क्रियाएं। अपनी गर्दन को लेकर जाएंगे बाईं ओर, धीरे धीरे लेकर जाएंगे, अब लेकर जाएंगे बाईं ओर, दाई ओर, बाई ओर लेकर आएंगे मध्य में, अब अपने दाएं कान को अपने दाएं कंधे के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे कि हमारा कान हमारे कंधे को छुए, ना कि हमारा कंधा हमारे कान से लगे। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे लेकर जाएंगे बाएं कान को बाएं कंधे की ओर, दाईं ओर,
बाईं ओर, मध्य में। अब अपनी ठोड़ी को ले आए कंठकूप में। अब अपनी गर्दन को लेकर जाएंगे ऊपर से ऊपर, वापस नीचे कंठकूप में। ऊपर की ओर अब अपनी गर्दन को ऊपर रखते हुए करेंगे हाफ रोटेशन गर्दन की। हाफ रोटेशन इतना कि हमारा कान हमारे कंधे को लग जाए, दाईं ओर फिर बाईं ओर। बहुत सुंदर। अब अपनी ठोड़ी को लेकर आएंगे कंठकूप में और यहां से करेंगे हाफ रोटेशन। बहुत सुंदर। आएंगे मध्य में, अब अपनी गर्दन का हम सर्कल बनाएंगे, एक चक्कर क्लॉकवाइज एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज, स्पीड बिल्कुल धीरे। एक एक गोटी में आते हुए प्रभाव को महसूस करेंगे, गति धीमी। गर्दन की क्रियाएं हमेशा धीरे करनी चाहिए। बहुत सुंदर। अब आएंगे मध्य में, अब हम करेंगे उष्टासन। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को लेकर जाएंगे निचली कमर पर, हथेलियों का रुख आगे की ओर। अपने दोनों अंगूठों से अपनी निचली रीढ़ को थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हम पीछे की ओर झुकना शुरू करें। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर स्थिति। अब जिनकी कमर दोहरी हो गई है वे अपने हाथों से अपने एड़ियों को छूने का प्रयास करेंगे। सिर्फ छुएंगे, हमारे नितंब से लेकर हमारे घुटने बिल्कुल सीधे। सिर्फ हम कमर के भाग से पीछे की ओर झुकेंगे। बहुत सुंदर स्थिति विजय सर की, सभी साधकों की बहुत सुंदर स्थिति।
अब कमर पे हाथ रखते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस, पुनः बैठ जाएंगे वज्रासन में। शशक आसन भाग दो, आगे से अपने घुटनों को खोल देंगे, अपनी हथेलियों को आगे सरकाते हुए ठोड़ी या माथा या नासिका को आसन पर लगा दें। उष्टासन की विपरीत क्रिया, उष्टासन में हम कमर से पीछे झुके थे और अब हम कमर से आगे झुके। प्रयास करेंगे कि हमारी एड़ियां हमारे नितंबों से ही लगी रहें, उठे नहीं। बहुत सुंदर, आएंगे धीरे धीरे वापस, हथेलियों को वापस से ही सिरकाते हुए धीरे धीरे वापस। अब यहीं से आएंगे पेट के बल, शिथिल आसन दाएं ओर, दाएं अंग सीधे बाएं अंग मुड़े हुए, अब हम करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं पीछे से, घुटनों से अपने दोनों पांव मोड़ेंगे, अपनी हथेलियों से पिंडलियों को क्लैंप करेंगे, श्वास भरते हुए आगे से अपनी धड़ उठाएंगे, और श्वास छोड़ते हुए पीछे से अपने घुटनों से भी अपने थाई को उठा देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्थिति। यहीं पर रुकने का प्रयास करेंगे। कंधे मजबूत बनते हुए पिंडलियों पर, मांसपेशियों पर बहुत सुंदर प्रभाव आता हुआ, कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव आता हुआ, सारा भार हमारा पेड़ों के ऊपर। अब आएंगे धीरे धीरे वापस, शिथिल आसन बाएं ओर, बाएं अंग सीधे दाएं अंग मुड़े हुए। अब दाईं ओर से करवट लेते हुए आएंगे पीठ के बल, हस्त पादोत्तानासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने,
अब श्वास भरते हुए ऊपर से अपने शरीर को और नीचे से अपने पंजों को ऊपर उठा दें। इतना उठाएं कि हमारे सर का और हमारे पैरों के अंगूठे का लेवल सेम रहे। सारा भार हमारे नितंबों पर। बहुत सुंदर। जितना हम पंजों को तानेंगे उतना हम इस स्थिति में अच्छे से रुक पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आएंगे धीरे धीरे वापस, बिल्कुल फूल की भांति अपने पाँव को नीचे रखेंगे, पटकेंगे नहीं। एक बार फिर से मन बनाएंगे हस्त पादोत्तानासन का। श्वास भरते हुए आगे से और पीछे से अपने टांगों को ऊपर उठा दें। पंजों पर, पिंडलियों पर, थाई पर, पेड़ों के सारे अंग पर प्रभाव आता हुआ। नाभि अपने स्थान पर रहती है इस आसन को करने से। इस बार पिछली बार से थोड़ा ज्यादा रुकने का मन बनाएंगे, चाहे 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड। अब आएंगे धीरे धीरे वापस। पैरों को हिला डुला लेंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों के आगे से क्लैंप करेंगे। श्वास भरेंगे। भरे हुए श्वास में अपने घुटनों से अपने पेड़ों को दबाएंगे। और जब श्वास ना रोका जाए तो श्वास छोड़ते हुए आगे से अपने नासिका को, ठोड़ी को लगा देंगे अपने घुटनों में। प्रयास करें कि हमारे पंजे तने रहें। बहुत सुंदर स्थिति। हमारी गंदी से गंदी, पुरानी से पुरानी गैसें शरीर में जो हैं वे निकल जाती हैं इस आसन को करने से। अब सामान्य श्वास में ऊपर से नीचे दोलन करना प्रारंभ करें। जिनसे ऊपर से नीचे दोलन ना हो वे दाएं से बाएं दोलन करें। दोलन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी की बहुत सुंदर मसाज होती हुई। बहुत सुंदर। हस्त पादोतान आसन में जहां हमने अपने पेड़ों के अंगों को खिंचाव दिया था, यहां पर हम इन अंगों को दबा रहे हैं जिससे कि रक्त का संचार बहुत अच्छे से होता है और हमारे अंग बहुत पुष्ट बनते हैं। आएंगे धीरे धीरे मध्य में।
सर नीचे, साथ में टांगों को भी ले आए सामने। आज का अंतिम आसन सेतुबंध आसन या चक्रासन। अपने पैरों को मोड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारे नितंब हमारी एड़ियों से छू जाएं और अपने हाथों को पलटकर रख देंगे कान के पास दाएं बाएं। और अब श्वास भरते हुए बीच से अपनी धड़ को ऊपर उठाएंगे, बहुत सुंदर चक्रासन, विजय सर की बहुत सुंदर स्थिति। पेड़ों के सारे अंग खींचते हुए बहुत सुंदर स्थिति, रुकने का प्रयास करेंगे इसी स्थिति में। आएंगे धीरे धीरे वापस सबसे पहले अपनी गर्दन को लाएंगे नीचे, टांगे सीधी, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शवासन, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए हों, किए गए आसनों का मानसिक अवलोकन, मन ही मन आए हुए प्रभाव को महसूस करेंगे। शरीर में आए एक एक भाग में आए प्रभाव को महसूस करेंगे मन की आंखों से। पूरा शरीर एकदम ढीला, महसूस करेंगे कि हमारी हथेलियों से और हमारे पैर के तलवों से शरीर में से सारी थकान निकल रही है। सारी टेंशन निकल रही है। अब इसी स्ट्रेस फ्री मन के साथ आएंगे चेतन अवस्था में, लेंगे दाई ओर करवट और उठ करके बैठ जाएंगे।
वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। सुविधाजनक बैठें। अब हम करेंगे हंसी। हंसने का मन बनाएंगे, खिलखिलाते हुए जोर से हंसेंगे। हंसना प्रारंभ करें। और जोर से। अंतिम बार। शांत। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम हमें कराएंगे नरेंद्र अंकल। थैंक यू प्रियल। ये थी हमारी सबसे रेगुलर साधक प्रियल। आज इन्होंने डेमो ना दे के क्लास ली। वैसे तो एफिशिएंसी क्लास 90% कम से कम अभी तक जितनी भी हुई होंगी उसमें से मैक्सिमम प्रियल ने ही ली है, डेमो दिया है। आज पहली बार बीए जी ने एफिशिएंसी क्लास में डेमो दिया और प्रियल ने क्लास ली। बहुत ही खुशी की बात, बहुत ही अच्छा लगा। उसके लिए प्रियल को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी हंसी को, इसी प्रसन्नता को एक बार और हंसी के साथ करेंगे और हंसने का मन बनाए और हंसे। शांत करते हैं जी प्राणायाम। शुरू करते हैं लंबे गहरे श्वास से। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें, साथ साथ नाभि का संकोचन करें। पेट को ढीला छोड़ते हुए धीमे धीमे आनंद पूर्वक श्वास कंठ तक भरें। इन्हीं सुंदर आकृतियों को दोहराते जाएं। जब श्वास छोड़ें तो प्रयास पूर्वक पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें ताकि दूषित वायु बाहर निकल सके। और पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास भरें और अपने फेफड़ों को फूलने दें, एक्सपेंड होने दें। लंबे गहरे श्वास हमारे समस्त प्राणायामों का आधार है, इसीलिए हम प्राणायाम से पहले हमेशा लंबे गहरे श्वास करते हैं। जितना अधिक हम प्रयासपूर्वक पेट को पिचकाएंगे उतना ही हम श्वास भरने में हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कर पाएंगे।
करते जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। पहली दो उंगली अंगूठे मूल से गद्दी पर लगाएं और शेष दो उंगलियों को अनामिका को बाईं नासिका पर रखें, अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास भरें और पूरी तरह श्वास भरने के पश्चात दाईं नासिका से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर करें और दाईं नासिका से ही श्वास को भरें और अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर करें। यह एक आवृत्ति हुई, बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना, इसी ऑल्टरनेट ब्रीथिंग को करते जाएं। कमर गर्दन हमारी सीधी, मन पूरी तरह हमारा प्रसन्न, निरंतर मूल बंध का अभ्यास करते रहें। दाईं नासिका से बाईं नासिका से बारी बारी से श्वास भरने से हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी प्रभावित हो रही है, अर्थात ठंडे और गर्म श्वासों का आवागमन होता जा रहा है। इस प्रक्रिया में हमारे शरीर का तापमान सम बनता है, अर्थात 98.4 डिग्री। जिनके शरीर का तापमान सम रहता है वह स्वस्थ रहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं। श्वासों की गति धीरे और गहरी रखें। जब श्वास खाली करें तो पूरी तरह करें और जब श्वास भरें तो धीरे धीरे पूरी तरह भरें। महसूस करें इस समय हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिल रही है और फेफड़ों के द्वारा हमारी रक्त शोधन सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे हमारे हृदय पुष्ट बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी प्राणायाम में से एक अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे पेड़ू मध्य भाग व फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ, हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ और निष्कासन भी सरल बनता है। करने में बहुत ही साधारण लेकिन गुणों में बहुत ही श्रेष्ठ प्राणायाम आनंद पूर्वक करते जाएं। पूरी तरह
हमारा मन शांत, ध्यान हमारा श्वासों पर केंद्रित रहे। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए अपनी आवृत्ति को करेंगे पूरा शांत। समय बहुत जल्दी भाग रहा है जी। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, ब्राह्मणी प्राणायाम। पहली दो उंगली आँखों पर, बाद की दो उंगली होठों के ऊपर नीचे, अंगूठा कानों पर, कोहनियों को खींच के पीछे की ओर कर दें। श्वास भरें और गहरा श्वास भरने के पश्चात धीरे धीरे भंवरे की भांति गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालें। 5 बार करेंगे यह आवृत्ति, शुरू करें। शांत, मन पूरी तरह शांत। ब्राह्मणी प्राणायाम से मन की के साथ साथ शारीरिक थकान भी दूर होती है। ध्यान की अवस्था को मजबूती देने वाला उच्च कोटि का आध्यात्मिक प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम। करेंगे जी शांति पाठ। उससे पूर्व ओम ध्वनि, ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। शांति शांति शांति।
दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण कर रहे हैं और दिव्य ऊर्जा जो उत्पन्न हुई उसको अपने मुखमंडल व शरीर पर धारण करें। धीमे से आँख खोलें, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी का डेमो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी का डेमो हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहता है और प्रियल बेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज क्लास ली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया क्लास करवाई प्रियल बेटी ने, इतने क्लैरिटी के साथ एक एक आसन रोकते हुए करवाया, तो आपको अच्छा आनंद आया होगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, सब आसन में बहुत ही बढ़िया लगा। और इसी प्रकार आप जुड़े रहे, समय से जुड़े, पूरे परिवार के साथ जुड़े, आप सब लोग स्वस्थ हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।